गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय के नेतृत्व में छात्रों सहित छात्र संघ प्रतिनिधि मंडल ने प्रबंधक के नाम संबोधित 32 सूत्रीय मांग पत्रक सौंपा। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर पीजी कॉलेज गाजीपुर छात्र संघ प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में छात्रों ने प्रबंधक के नाम संबोधित पत्रक को प्राचार्य की अनुपस्थिति में अतिरिक्त एसडीएम चंद्रशेखर यादव को महाविद्यालय में छात्रों से हो रही अवैध वसूली सहित 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने बताया कि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव न होने से छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है और मनमाने ढंग से फीस वृद्धि कर छात्रों पर आर्थिक बोझ डालकर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा और एक व्यक्ति दुकान विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए वेबसाइट की ऑनलाइन प्रक्रिया को कठिन कर मोटी रकम वसूली जा रही है, जिसे छात्र कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कराने की मांग की। वही छात्र नेता धीरज सिंह ने कहा कि प्राचार्य महाविद्यालय में समय से उपस्थित नहीं रहते हैं, वे प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे के बाद आते हैं, अन्यथा नहीं आते। अपने मनमाने ढंग से कॉलेज को संचालित कर रहे हैं, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की समस्या होने पर उन्हें मायूस होकर जाना पड़ता है, जिससे छात्रों में रोष व्याप्त है। वही छात्र नेता प्रेस प्रजापति ने कहा कि महाविद्यालय में छात्रों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं है। हाँ तो दीपक जी, छात्र संघ की कैसी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई है? सर सर्वप्रथम मेरा नाम दीपक उपाध्याय है, छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं। ये छात्र संघ प्रतिनिधि मंडल पीजी कॉलेज का आया हुआ है इस टाइम, ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। ये प्रबंधक जी महोदय के नाम से एक संबोधित पत्रक है, जो हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में हम लोगों ने अतिरिक्त एसडीएम सर को दिया है ये पत्रक। इसमें महाविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और अनियमितताओं के संबंध में ये पत्रक है, 32 सूत्री मांग पत्र है। ये महाविद्यालय छात्र संघ की अनुपस्थिति में आए दिन मनमाना शुल्क वसूल रहा है, अवैध वसूली करा रहा है और यहाँ पे कोई नियमित समय से न तो प्राचार्य उपस्थित होते हैं महाविद्यालय में, न तो शिक्षकगण जो है कुछ उनके देखा देखी उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे वहाँ पे पढ़ाई का वातावरण नहीं बन पा रहा है और वहाँ पे फीस के नाम पे वसूली की जा रही है और मनमाने ढंग से शुल्क वसूला जा रहा है। और कई वर्षों से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर, उन्होंने कई बार लेटर दिया गया है फिर भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और छात्र संघ की अनुपस्थिति में वह अनेक समस्याएं हो रही हैं, जैसे अवैध वसूली, ऑनलाइन के नाम पे किसी एक व्यक्ति विशेष के दुकान खुलवाना, वहीं से जबरिया आपको फार्म भरवाना, इस तरह से संलिप्तता पाई गई है प्राचार्य के द्वारा। इसलिए तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग 32 सूत्रीय मांग पत्र है, ये हम लोगों ने अतिरिक्त एसडीएम सर को दिया है। ये प्रबंधक महोदय के नाम पत्र बनाया गया था कि आप भी अवगत करा दीजिए और एक प्रतिलिपि हम लोगों ने कॉलेज में प्राचार्य जी को भी दिया है। तो एडिशनल एसपी ने इसके लिए क्या उत्तर दिया है, इसके बारे में क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने कहा है कि हम इसको प्रबंधक महोदय को भी अवगत कराएंगे और जो यहाँ के शिक्षा अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनको भी ये अवगत कराया जाएगा, आपकी समस्याओं का निवारण कराया जाएगा। आज एक मिनट और आगे ले लो। पत्रक सौंपने वाले में धीरज सिंह, शैलेश यादव, रविकांत यादव, विकास यादव, ईश्वर यादव, अमितांश बिंद, प्रिंस प्रजापति, अभिषेक चौरसिया, सनी सानी, आकिब खान, निखिल भारती, राहुल, अभिषेक वर्मा इत्यादि छात्र मौजूद थे।